हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको थर्माकोल से बैंगल स्टैंड बनाना बताऊंगी। ये देखिए, जिसके लिए मैंने थर्माकोल पहले से ही कट किया हुआ है। ऐसे ही मैंने आपको थर्माकोल तो पहले भी बता दिल तो पहले भी बता रखी है मैंने आपको बैंगल स्टैंड, लेकिन मैंने वो वायर से बताए आपको। आज मैं आपको थर्मा मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट में मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये मैंने किस तरीके से बना किया है, मतलब कि उन्होंने मेरे से थर्माकोल पर मांगा है। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाऊंगी मैं इसे। इसी प्रकार से मेरा ये मैंने ये थर्माकोल कट कर लिया है पूरा। जो मैं पूरा वो बैंगल स्टैंड बनाऊंगी वो मैं पूरा थर्माकोल से ही बनाऊंगी। अभी देखिए, पहले मैं आपकी इसको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ कि मैंने कितनी इसकी लंबाई ली और कितनी चौड़ाई ली है। अभी देखिए, मैंने इसकी लंबाई ली है 15 इंच और चौड़ाई ली है मैंने इसकी 14 इंच। ठीक है, ये मैंने लंबाई चौड़ाई ली है। उसके बाद मुझे जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो है मेरा, ये देखिए, ये मेरा पेपर है। ये मेरा जो हम पेपर से जिस पे मैं इससे डेकोरेट करूँगी वो मैंने ये पेपर लिया है, कलर पेपर। और ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है इसमें, एक पेपर लगेगा। ये देखिए, मैंने इसको कट करके और पेपर को भी तैयार रख लिया है। अब मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। अभी देखिए, मैं इसमें 3 स्टिक लगती हैं, जो इसमें स्टिक लगती हैं वो 3 लगती हैं। इसमें 3 स्टिक का मैं थर्माकोल पुता का वो बैंगल स्टैंड बना रही है। देखिए, मेरी एक स्टिक है, स्टिक मेरी इस प्रकार की होंगी, इन पे मैं वायर भी लपेटूंगी बाद में, और ये पेपर भी लपेट सकते हैं और वायर भी लपेट सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आज इसे बनाना बताऊँगी आपको कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, स्टिक मैंने ले ली है, 3 स्टिक ली है मैंने ये। अब मैं इसे आपको माप के बताऊंगी किस तरीके से मैं इसे कट करूंगी। अभी देखिए, इधर से लूंगी मैं कॉर्नर से। ये देखिए, कॉर्नर से पैसे लेना है मुझे, ये कॉर्नर से लूंगी मैं इसे 4 इंच। ये देखिए, सॉरी, कॉर्नर से लूंगी मैं इसे 3.5 इंच इधर से, और इधर से 3.5 इंच मैंने पे मैं मार्किंग कर दूंगी इसी प्रकार से। ये देखिए, मैंने अब मैं इधर से भी 3.5 इंच ही लूँगी। ये देखिए, इधर से भी ले ली है मैंने 3.5 इंच। अब मैं इस कॉर्नर से, जैसे मैंने मार्किंग की है इससे, इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक मैं इसको मिला दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगी और इस पर मैं सीधी मार्किंग करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इस पर सीधी मार्किंग करूंगी ऐसे ही। अब ये देखिए, ऐसे ही मैं इस पर सीधी मार्किंग कर लूंगी इसी तरीके से, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने 3.5 इंच इधर से लिया, 3.5 इंच मैंने इधर से लिया, ऐसे मैं इस पर सीधी मार्किंग कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर मार्किंग कर दी है। अभी देखिए, अब मैं इसे आपको कट करना बताऊंगी कि हम इसे किस तरीके से कट करते हैं। हम इसे ब्लेड से कट करेंगे, ये ब्लेड से बहुत अच्छा कटता है। कैंची वगैरह से कट करेंगे तो इतना अच्छा नहीं कटेगा, लेकिन ब्लेड से कट करेंगे तो ये अच्छे से गुलाई में कट जाएगा हमारा। ये देखिए, अब मैं इसे ब्लेड से कट करना बताऊंगी आपको कि हम कैसे किस तरीके से ब्लेड से करेंगे कट। अगर फ्रेंड आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी देखिए, मैं इसे ब्लेड से किस तरीके से कट करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इधर से हमें इस कॉर्नर से ब्लेड को चलाना है। ये देखिए, इस कॉर्नर से ऐसे ही, जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है उसी प्रकार से मुझे ये कट करते हुए चलना है, जैसे मैंने इस पर मार्किंग की है। ये देखिए, ऐसे ही, ये देखिए, सीधा कट करते हुए चलना है मुझे इस पर। इसे मैं ऐसे ही सीधा कट कर लूंगी। ये देखिए, ऐसे ये ब्लेड से बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए, मेरा कितना सुंदर कट के आया है। अगर इसे हम चाकू वगैरह से या कैंची वगैरह से काटते हैं तो इतना अच्छा नहीं कटता। ये देखिए, मैंने ये अलग अलग पीस कर दिए हैं,
ये मेरा कट के इस तरीके से आया है, मैंने अलग अलग पीस करके इसके तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको माप बताऊंगी। देखिए जो मैं अपना कर्व दूंगी जिसमें मैं अपनी स्टिक वगैरह टंगाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी वो मैं किस तरीके से लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए इधर से लूंगी मैं, जो मैं कॉर्नर से लूंगी वो लूंगी मैं इधर से 2.5 इंच, इधर से लेना है मुझे 2.5 इंच। ठीक है, इधर से कॉर्नर से थोड़ा सा कॉर्नर मुझे छोड़ना है, पूरे कॉर्नर से नहीं लेना है, हल्का सा छोड़ के इधर से 2.5 इंच पे मैं मार्किंग कर दूंगी इधर से। और अब मैं लूंगी इधर से 2 इंच, जो कि मैं अपना कर्व दूंगी, जो मैं इधर स्टिक लगाऊंगी अपनी उधर से मैं 2 इंच लूंगी इधर से। ये देखिए ये मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब इधर से लेना है मुझे ये 4 इंच, इधर से जो मैं बीच में गैप दे रही हूँ बैंगल्स के, जो बैंगल्स हमारी ज़्यादा नीचे ना लटके इस वजह से हमें इधर से 5 तक भी गैप दे सकते हैं, लेकिन मैं इधर से 4 इंच का गैप, ठीक है, मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ इसको, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं। अब देखिए इधर से मैं फिर से 2 इंच लूँगी, ये देखिए इधर से मैं 2 इंच लूँगी, ये ले लिया मैंने 2 इंच इधर से। इधर भी मैं अपना सर्कल के टाइप में, कर्व के टाइप में जो मैं स्टिक लगाऊंगी वो गुलाई बनाऊंगी इधर। अभी देखिए इधर भी मैं, ये देखिए इधर भी मैं 4 इंच ही लूंगी। ये देखिए इधर से भी मैं 2 इंच लूंगी, मैंने 4 इंच ले लिया है उधर से। अब मैं अपने, ये देखिए जैसे मैंने 2 इंच पे किया था, अब मैं उधर से कर्व दूंगी जैसे मुझे कट करना है स्टिक के लिए। अब मैं कर्व दूंगी इधर से, ये देखिए इस तरीके से मुझे ये कर्व देना है, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया था इधर से उस पर मुझे कर्व देना है। ये देखिए इधर से भी ये गैप मुझे छोड़ना है जो मैंने 4 इंच पे दिया था। अब ये देखिए इधर से भी, ये मुझे 3 स्टिक का बना रही हूँ मैं, तो 2-2 इंच का मैंने इधर से मार्जिन दिया था उस पर मुझे कर्व देना है। ये देखिए इसी प्रकार से मैंने इस पर कर्व दे दिया है, ऐसे ही मैं दूसरे वाले पे भी निशान लगा के तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से मैंने जैसे 4 इंच इधर से छोड़ा था और 2 इंच मैंने फिर इधर से लिया है, ऐसे ही मैंने इस पर मार्किंग की है। अब मैं इसे आपको कट करना बताऊंगी। ये देखिए पहले मैं इनको दोनों को दिखा दिया कि दोनों हैं, मैंने जैसे मैंने उस पर मार्किंग की थी पहले मैं इस पर भी मार्किंग करके मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसे कट करूंगी, ये देखिए कट मुझे इस प्रकार से करनी है ब्लेड से, देखिए ऐसे जैसे जैसे मैंने 2 इंच का कर्व मार्जिन दिया था इधर से ऐसे ही मैं इसे कट भी करूंगी। देखिए इसी प्रकार से, देखिए ब्लेड से बहुत आसानी से कट हो जाता है ये। ये देखिए मैंने एक को कट कर लिया है, अब मैं दूसरे वाले को भी ऐसे ही कट करूंगी। ये देखिए ऐसे ही ये बहुत आसानी से कट जाते हैं ब्लेड से, जिसमें मैं अपनी स्टिक लगाऊंगी वो मैं वो काटना बता रही हूँ। 2-2 इंच का मार्जिन देना इधर से और बीच में हम 4 इंच का मैंने गैप दिया है। अभी देखिए मैं 3री स्टिक डालूंगी, उधर भी मैं ऐसे ही कट कर लूंगी। ये देखिए इधर से भी मैं आपको नए नए आइटम बताती रहूंगी। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बता रही हूँ चूड़ी स्टैंड बनाने का। ये देखिए मैंने उसको भी इसको भी काट लिया और मैंने दोनों काट के तैयार कर लिए हैं ये। अब ये देखिए मेरे दोनों कट के तैयार हैं, इसी प्रकार से मैंने ये कट किए हुए हैं। ये देखिए ऐसे ही दोनों बराबर लेने हैं, ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर ही होने चाहिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किए हैं, ऐसे ही बराबर होने चाहिए, बनने के बाद ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। अभी देखिए मेरे नीचे का
वेस है, मैं नीचे का वेस तैयार करूँगी इसका, जिसमें मैं इसे अटैच करूँगी। ये देखिए, देखिए मेरे इधर से मैंने जिसकी जितनी मैंने इसकी लंबाई ली है इधर से, ऐसे ही मुझे अपने वेस की जो नीचे का वेस है जिसमें मैं इसे अटैच करूँगी, ये देखिए जिसमें मैं इसे अटैच करूँगी, मुझे उतनी ही लंबाई नीचे से लेनी है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से लें, जितना आप बड़ा बनाना चाहती हैं, लेकिन लंबाई उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी जैसे कि मैंने इनकी ली है थर्माकोल की, जिसमें मैं अपनी स्टिक अटैच करूँगी। ये देखिए इसी प्रकार से इस तरीके से ये अटैच होगा, ये देखिए इस तरीके से अटैच होगा ये, देखिए इस तरीके से हम इसे बाद में फेविकॉल से, फेविकॉल की सहायता से मैं इसे चिपकाऊंगी। अब मैं अपने पीछे नीचे जो मेरा पीछे का वेस है, अभी देखिए अब मैं अपने पीछे का वेस भी, मुझे इसी प्रकार से जितनी मेरी उसकी लंबाई है ऐसे ही मैंने पीछे के वेस की भी लंबाई ली है, और चौड़ाई भी हमें इतनी ही लेनी है जितनी कि मेरी नीचे की वेस की। अब मैं ये जो पेपर है मेरा, जो वैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं इसको चिपकाना बताऊंगी आपको हम इसे किस तरह से इस पर चिपकाएंगे। देखिए पहले मैं इसी के बराबर इसे कट कर लूँगी, ये देखिए पहले मैं इसको ऐसे सेट करके ये पीछे की तरफ भी, और अलग 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 चिपकाने हैं, हम एक साथ नहीं चिपकाने हैं ये, पहले मैं आगे से चिपकाऊंगी और फिर बाद में मैं पीछे से भी, लेकिन पेपर मैं एक कलर का ही लूँगी दोनों। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है ये, ऐसे फेविकॉल डाल के, ये देखिए इसी तरीके से मुझे ये चिपकाना है। ऐसे ही कुछ नहीं है ऐसे चिपकाने में, ये देखिए ऐसे ही, जैसे कि हमें बस हमारा थर्माकोल दिखाई नहीं देना चाहिए इससे, ये देखिए ऐसे फेविकॉल लगा के, ऐसे ऐसे फेविकॉल लगाते हुए जाएंगे हम। मैं आपको नई नई आइटम बताती रहूँगी हर चीज़ के, वायर का भी और डेकोरेट का भी, मैं सारे कुछ आपको बताती रहूँगी फ्रेंड। अभी देखिए ऐसे हम इसे चिपका देंगे, ऐसे ही मुझे ये चिपकाना है, ऐसे ही बाद में मैं इसे पीछे से जो चिपकाऊंगी मैं उसे बाद में चिपकाऊंगी। ये देखिए ऐसे ही सीधे सीधे इधर भी मैं फेविकॉल लगाऊंगी, ये देखिए इधर से भी, इधर से भी मुझे फेविकॉल लगाना है ये, ऐसे बराबर बराबर करके तब मुझे ये चिपकाना है इधर से, ताकि हमारी ये फिनिशिंग है जो अच्छे से आ सके। तब तक हमारी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी तो हमारा ये अच्छा बन के नहीं आएगा बहुत आराम से, और तभी हमारा ये सुंदर बन के आएगा। ये देखिए इधर से भी ऐसे फेविकॉल डाल के तब मैं इसे भी ऐसे चिपका दूंगी, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया है, देखिए ऐसे। अब मैं अपनी स्टिक तैयार करूँगी, ये देखिए दो स्टिक्स तो मैंने पहले से ही तैयार कर रखी हैं वायर से, मैंने आपको बताया था मैं इसे वायर से, मैंने पेपर से नहीं किया, आप चाहें तो पेपर से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने अपने पूरे वेस भी बना के तैयार कर लिया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ये किस तरीके से चिपकाने हैं, ऐसे ही मैंने ये चिपका के तैयार कर लिए हैं। अब मैं अपनी लकड़ी पर वायर लपेटना बताऊँगी आपको, ये देखिए दो लकड़ी पर मैंने वायर लपेट लिया है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हम लकड़ी पे वायर कैसे लपेटते हैं। ये देखिए मैंने दो पे तो लपेट लिया है, मैं आपको इस पे लपेटना बताऊंगी कि हम इस पे किस तरीके से वायर लपेटेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है, वायर लपेटने के बाद हमारी लकड़ी है जो वो अच्छे से सेट हो जाती है, अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है हमारी। अब ये देखिए मैं इस पे लपेटूंगी, ऐसे ही जो मेरा कॉर्नर था उन पे मैंने ये पेपर लगा लिया है अपने कॉर्नरों पे, ताकि हमारा स्टिक अच्छे से दिखाई ना दे, और दिखाई देगी तो ये सुंदर नहीं आएगा बनके। ये देखिए मैंने पेपर लगा लिया है इधर से, अब मैं अपनी वायर लपेटूंगी इस पे, ऐसे वायर को पहले इस तरीके से लपेटना है, इस तरीके से हमें इस पे वायर लपेटना है, ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से,
ऐसे मैं लाइटर के साथ पहले से चिपका दूँगी। देखिए ऐसे आग खुद से जला के वायर को, और ये अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए ऐसे चिपक जाता है। फिर मैं इसे लपेटना शुरू करूँगी। ऐसे ही कुछ नहीं है, ऐसे बस स्टिक को घुमाते हुए चलना है और वायर को ऐसे लपेटते हुए चलना है। ये देखिए ऐसे बराबर बराबर करके हमें ये वायर लपेटना है। ये देखिए स्टिक पे वायर लपेटने के बाद ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है कि मेरी स्टिक है कि क्या है। ये देखिए स्टिक मैंने नॉर्मली ही ली है, जैसे हमारी स्टिक होती हैं। ये देखिए ऐसे ही मैं इस पे वायर लपेटते हुए चलूँगी। सबसे पहले हम स्टिक पे वायर लपेटना इस तरीके से लपेटते हैं। ये देखिए दो पे मैंने लपेट लिया है, स्टिक मैंने तीन को आपको बताया कि हम तीन का बैंगल स्टैंड किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए ऐसे ही लपेटते हुए चलना है मुझे वायर को। इसी तरीके से ये देखिए ऐसे ही सीधे सीधे, कुछ नहीं है इसे लपेटने में। ये देखिए इसी तरीके से मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। देखिए मैंने चूड़ी दो चूड़ी स्टैंड पहले भी वायर के अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैं आज आपको थर्माकोल। देखिए फ्रेंड मैंने अपने स्टिक भी लपेट के तैयार कर लिए। मैंने इसको बताया था जैसे जैसे मैंने आपको वायर से लपेट के और मैंने इसे लाइटर के साथ चिपका दिया है, मेरी ये तैयार है। हम इसका वेस बनाना बताऊंगी, वेस अटैच करना बताऊंगी इससे हम किस तरह से चूड़ी स्टैंड का वेस अटैच करते हैं। देखिए ग्लू गन से ऐसे ग्लू गन लगाएंगे हम इसमें। ये फेविकॉल से भी चिपक जाता है और ग्लू गन से भी। अभी देखिए जो मेरा पीछे का वेस है पहले मैं उसको सेट करूंगी इसमें इस तरीके से। ये देखिए ऐसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ना है हमको। ये देखिए पहले अब मैं साइड वाला लगाऊंगी इसमें। देखिए ऐसे ग्लू गन को इस तरीके से। अभी देखिए ये मेरी दोनों अटैच हो चुके हैं। अब मैं इसको तीसरे को अटैच करूंगी इसमें। ये देखिए ऐसे ग्लू गन लगा के इधर से। ये देखिए आप जितना बड़ा बनाना चाहे इतना बना सकती हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था उसी हिसाब। अभी देखिए फ्रेंड ये मेरा बैंगल स्टैंड आपके सामने बनके तैयार है। मैंने इसमें लेस भी अटैच कर दी है अपने कर्व के हिसाब से। जैसे जैसे मेरा कर्व आया था ऐसे ही मैंने इसमें लेस लगा ली है इधर भी और इधर ही। इसी प्रकार से मेरा ये बैंगल स्टैंड बनके आया है। मैंने इनमें चूड़ियां भी ली है। देखिए ऐसे हटा के इसको और ऐसे निकाल के स्टिक है ये मेरी खाली, और ऐसे डाल के हम इसे ऐसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये लगाई जाती है, हम इन्हें कहीं पे भी सजा सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा ये बनके आया है। अगर वीडियो समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।